कपिल, बड़े बड़े शहरों में ऐसी छोटी छोटी बातें तो होती रहती हैं। दिस इज नॉट छोटी बात, शाहरुख एंड काजोल टुगेदर, ओह माय गॉड, एक बार मैं अपने दर्शकों को बता देना चाहता हूँ कि काजोल मैम के पैर में चोट लगी है, लेकिन कहते हैं ना कि सच्चा प्यार करने वालों को। अच्छा ठीक है, पता है, झूठ नहीं बोल रहे। ये देखिए, झूठ नहीं बोल रहे, चोट लगी है, लेकिन कहते हैं ना कि सच्चा प्यार करने वालों को कोई मिलने से रोक नहीं सकता, सो ये आ ही गई। ये तू किसके लिए बोल रहा है? आपके लिए। मैंने अभी दो हफ्ते पहले अजय सर आए थे यहाँ पे, डॉले वाले देखे मैंने, मैं नहीं करता ऐसा। एक्शन जैक्सन में जो बॉडी है ना उसकी बिल्कुल पंगा मत लेना इस वक्त। मुझको जो मर्जी बोल ले, मेरी बीवी की बॉडी में इतने डॉले शोले नहीं। सबसे पहला सवाल जी, जनता जवाब जानना चाहती है, बिल्कुल, आप हमारे शो में इतना लेट क्यों आई? पैर टूट गया था, फिर भी लंगड़ाते हुए आई हूँ। एक टांग पे चला गया, काफी नहीं है? पता कितना टाइम लगता है पहुंचने में कहीं पे? पर एक एक बात तो है, अगर आई भी हैं तो उस फिल्म के लिए आई हूं, उस फिल्म का जश्न सेलिब्रेट करने आई है, जो फिल्म आज से 19 साल पहले आई थी और आज भी नहीं लगती है, इस बात के लिए जोरदार तालियां। अच्छा ये बात में कितना सच है, ये सच है कि अफवाह है, पता नहीं लोगों ने बताया, बट मुझे फिर भी आपसे कंफर्म करना है कि जब आपको पता चला कि कॉमेडी नाइट्स में जाना है तो आप इतना जोर से उछली कि पैर में चोट लगी। जवाब जो भी हो, बट आई लाइक दिस एक्सप्लेनेशन बेटर। मुझे अच्छी ताजी सांसों, बगीचे का सेंसेशन आ रहा है, मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं बगीचे में बैठी हूँ, तो इट्स लवली दिस फ्रेश एयर। मांग के लाया किसी से? चोरी किया? कुछ तो रीजन होगा इस जैकेट का। अपने आप तो कोई खुद नहीं बनाएगा ऐसी वाली। हीर रांझा, रोमियो जूलियट, सीरी फरहाद के बाद अगर कोई रोमांटिक जोड़ी का नाम रोमांस करने वाले लोगों ने जपा है तो वो है राज और सिमरन की जोड़ी। मैं आप दोनों से पूछना चाहता हूं सर कि इस जोड़ी में ऐसा क्या है जिसका जादू आज तक बरकरार है? सर हमारे पास इसका जवाब नहीं, मैं सिर्फ एक दो बातें बोलूंगा जी। मुझे ऐसा लगता है कुछ हमारी दोस्ती है, कुछ प्यार है, कुछ ऐसा रिश्ता है जिसमें कंफर्ट है, और हम मिलें ना मिलें, फिल्म करें ना करें, हमारी फैमिली एक दूसरे से जब मिलती है तो ऐसा लगता है कुछ कुछ अजीब सा प्यार प्रेम है, और वो कंफर्ट जोन जो है हमारा, हम एक दूसरे के लिए कभी भी, हम शायद फोन करके नहीं बोलेंगे अरे तेरा ये हो रहा है, अरे वो हो रहा है, कभी कुछ बात नहीं करेंगे, लेकिन कहीं ना कहीं दिल में हमेशा ऐसा रहता है कि यार काजल के साथ कुछ अच्छा हो जाए, और काजल के दिल में भी ऐसा रहता है शाहरुख के साथ कुछ अच्छा हो जाए, सीरियसली। और सीरियसली हम बहुत बड़े स्टार बन गए, दोनों को एक्टिंग बिल्कुल नहीं आती। ये बात अगर आप अपने लिए कह रहे हैं तो फिर बाकियों का क्या होगा सर? तेरे लिए तो बोलूंगा भी नहीं, तेरा शो है, बुरा लगेगा। और उसकी पिक्चर भी आ रही है, वो पिक्चर भी आ रही है, तेरी तो पिक्चर भी आने वाली है, डेब्यू होने वाला है उसका। माइंड ब्लोइंग काम किया चल रहा है उसकी प्रमोशन के लिए मुझको प्लीज बुलाना। मैं सीरियस हो गया हूं। नहीं मैं भी बहुत सीरियस हो गया हूं। वो होगा कॉमेडी नाइट्स विद शाहरुख एंड काजल, और हम तेरे को इंटरव्यू करेंगे, प्रॉमिस। लेकिन कितने लोगों से प्रॉमिस ले चुका है, लेकिन कपड़े हम पहनेंगे भगवान, धीरे धीरे कपड़े हम पहनेंगे। आपको पता काजल, मैं आपके आने से पहले शाहरुख भाई से यही जिक्र कर रहा था कि आप ऐसी रोमांटिक जोड़ी हैं जो आजकल फिल्में आती है ना क्रेडिट सीन में, शुरू में जब दिखाते ना कि फिल्म का टाइटल दिखाते हैं, वो सेंसर बोर्ड वाला सर्टिफिकेट दिखाते हैं, उसके साथ साथ ही 15-20 किस्सियां चल जाती हैं, मतलब हीरो हीरोइन की। आपने कभी ऐसा कुछ नहीं किया? हाँ। तो मैंने सोचा कि थोड़ा मैं इसको और थोड़ा सोबर तरीके से बोलूं, तो फैमिली शो है।
आपने कभी कुछ ऐसा नहीं किया और उसके बावजूद लोग आपको, मतलब आप, आपकी जोड़ी इतनी सुपर डुपर हिट है। सर आप मानते हैं कि काजल आपके लिए लकी मैस्कॉट है? जो मेरी गाड़ी ड्राइव करते हैं उनको लगता है मैं उनकी वजह से हिट हूँ। मेरी मदर इन-लॉ को लगता है उनकी बेटी की वजह से हिट हूँ। तो तेरे को अगर लगता है इसकी वजह से हिट हूँ तो ये लकी मैस्कॉट है, कोई बात नहीं। ऐसा ऐसे लोग सवाल पूछ रहे थे, मेरा नहीं था ये। नहीं नहीं, अगले शो तक आके कहूंगा मैं तेरी बास्केट की वजह से हिट हूं। मैं तो इसकी बोली लगा दूंगा भाई, लाखों मिलेंगे मेरे को पता है। बड़े लोग हैं, अगर आप इसकी तारीफ कर दोगे ना तो बड़ी बैठी हुई यहाँ पे खरीदने वाली। ओ शाहरुख, प्रेस दैट बास्केट। ओके, हां वो तो प्रेस पे तो दे देंगे, लेकिन तूने पहनी हुई है उसके लिए कटेंगे भी तो थोड़े पैसे। एक बात है शाहरुख भाई, आपने इतनी सारी फिल्में की, छह फिल्में की ना साथ में, और छह की छह सुपरहिट फिल्में आपकी। हम फ्लॉप करते ही नहीं साथ में। हम बैलेंस करते हैं, फ्लॉप नहीं करेंगे। तो सुपर डुपर हिट करेंगे। आपने फिल्में करना छोड़ दिया, घर गृहस्थी में बिजी हो गई, लेकिन शाहरुख भाई नहीं हटे, ये लगे हुए हैं। लगे हुए हैं। पर शाहरुख भाई आप मिस नहीं करते हैं? बहुत ज्यादा मिस करता हूँ यार। मैंने जब इनके साथ शुरुआत की बाजीगर जी, इनकी फिल्म आई थी बेखुदी, पहली फिल्म, फर्स्ट फिल्म बेखुदी, और बहुत खूबसूरत फिल्म थी। पहली बार जब काम किया मुझे मालूम नहीं था। मैं एक छोटा सा किस्सा बताऊंगा इनके बारे में जी। मुझे एक और किसी एक्टर ने फ़ोन किया और मुझे कहा कि ये कैसी एक्टिंग करती हैं। तो मैंने कहा बहुत बेकार एक्टिंग करती हैं, बहुत बातचीत करती हैं, तंग करती हैं, बिल्कुल कॉन्सेंट्रेशन नहीं है। क्योंकि मैं बार बार ये बात बोलता हूँ, हमेशा कहता रहूँगा, काजोल एक्टर नहीं है। काजोल को अगर दिल से कोई बात अच्छी लगे तो वो बहुत अच्छा करती हैं। शी इज़ ओनली एक्टर आई हैव वर्क्ड विद on the set with the biggest of stars, biggest of directors, ki agar nahi hai sahi laga to nahi karungi, aur bahut pyar se karti hai. And I really believe unprofessionally bol raha hai, unprofessionally bol raha hai. It is a very valid point also. Bahut sahi cheez hai. Agar aap kisi cheez mein vishwas nahi karte ho aur phir bhi aap jaake you go ahead and you do it, you will not do it well. To set pe kyun aayi? थोड़ा तो होता है ना कि आप आ गए तो कर दो थोड़ा सा, बट जेन्युइनली मैं बता रहा हूँ मैं आपको। अच्छा, आपने लड़ने में बाहर चले गए? नहीं, तू यहीं रहे। बट मैं सच बता रहा हूँ कि मैं चाहता हूँ कि ये कम फिल्में करें, बिकॉज शी ओनली डज द फिल्म शी बिलीव्स इन। हम सीन भी जब करते थे तो कभी कभी ऐसे बात करते थे तो मैं बड़ा अपना प्रिपेयर करके आता ना एक्टर, ऐसा सब मैं लाइन वाइन लर्न करके आता था। एक सीन था, कुछ होता है, मैं था तो मैं कुछ बड़ा, कुछ ऐसा शादी हो रही है इनकी तो मैं आता हूँ वहाँ पे सॉरी कहने, कुछ ऐसा करके तो मैं सीन कर रहा हूँ। सीन के बीच में हम सब प्रिपेयर कर चुके हैं, डिस्कस कर चुके हैं, तो मैं जो है बड़ा सीरियसली कि मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ अंजलि, और ये है, और देखो तुम्हारी शादी, आंखों में आंसू, होठों पे मुस्कान, ऐसा कुछ सीन कर रहा हूँ। सीन के बीच में काजल ऐसे कर सकती और अगर तुम मुझे फिर से बोले ये वाली बातें बोलने, मैं नहीं बोल सकूंगा, बहुत सारा बोल दिया। DDLJ में जो आपके साथ हुआ कि माता पिता मान नहीं रहे हैं और आप भागना भी नहीं चाहते हैं, और बड़े तरीके से आपने इंडियन रीति रिवाज के साथ शादी करना पसंद, आपने उसको प्रेफर किया कि ऐसे शादी करेंगे, अगर रियल लाइफ में आप दोनों के साथ ऐसा होता तो क्या आप वैसे ही करते जैसे आपने DDLJ में किया था? मुझे आपका पता नहीं है अजय सर के साथ कैसे हुआ था, पर आपके बारे में तो पता है आपके साथ ऐसा ही हुआ था, गौरी मैम के घर वाले मान नहीं रहे थे, तो उस समय आपने किसके कबूतर को और कैसे कबूतर को दाना डाला था? उनके भाई थे ना, उनके जो भाई थे वही कबूतर थे। मैंने तुम्हें बताया उनके भाई के बारे में? नहीं। हम दिल्ली के हैं हम सब लोग जी, तो हरियाणा के साथ हमारा बड़ा कनेक्शन है, हम सब लोग थोड़ी हरियाणी वाणी बोलते हैं थोड़ी सी, तो वो अपने आप को स्कूल के बड़े दादा समझते थे। विक्रम बहुत प्यार है मेरा उनसे, लेकिन उस वक्त वो समझते थे स्कूल में जैसे सब बुद्धू होते हैं स्कूल के अंदर। अच्छा। तो जब भी मुझे मिलते थे बड़ी दादागिरी दिखा देते, और मुझे कहा गया था सबसे कि यार तुम जो है अपना गुंडा कर दी मत। मैं भी बड़ा गुंडा था, हॉकी प्लेयर था मैं,
तो तू तमीज से बात करना, तो मैं अंग्रेजी में, जैसे तू अंग्रेजी बोलता है वैसे अंग्रेजी में बात बात करता हूं, लाइक नॉट एज गुड एज योर सेम सेम बट आई ट्राई ट्राइंग टू आई ट्राई मेकिंग यू नो सम काइंड ऑफ आई ऑलवेज ट्राई टू मेक सम काइंड ऑफ कॉन्स्टिपेशन उससे मैं तमीज से मिलता था तो वो और चढ़ता जा रहा था और चौड़ा हो रहा था वो यार रोज साढ़ा का एक बार मन से मिलना था कहता ओए साढ़े सुन ले तू यार तू मेरी बैंड के साथ कर ले डांस जो करना है बट नो एंकी पैंकी मैं कहा ठीक है एक बार उसने मुझे कहा कि तेरे को मालूम है साले कट्टा क्या होता है ऐसे आवाज में बात करता था वो तो मैं कहा नहीं जी मुझे नहीं मालूम कट्टा क्या होता है मुझे मालूम था लेकिन मैंने कहा नहीं कट्टा गन होती है देसी मेड गन देसी गन कभी कभी चलती है कभी पीछे भी चल जाती है यही बोला उसने कट्टा साले कट्टा दे दूंगा आज मैं कट्टा समझता है तुम्हें कहा नहीं जी बिकॉज आई वॉज बींग सोफेस्टिकेटेड सो आई सेड नहीं आई डोंट नो व्हाट कट्टा इज साले गोली चलाओ ना पता नहीं चलता आगे से चलती है कि पीछे से चलती है अब मेरे को बड़ा बेवकूफी लगा फिर बंदूक चलाओ क्यों वो बहुत डांटता था मेरे को ऐसा हर जगह मिलता था धमकी देता था मुझको यार और मेरे को बड़ा मुझसे छोटा है वो गोरा सा था लाइट आइज थी उसकी ऐसे को तो मतलब जिम में रख के ले जाता बट वो ऐसा छोटा सा था मुझे साढ़े जहाँ पे तेरे कहता है जहाँ तेरी बुद्धि है ना वहाँ मेरी जूती होगी जहाँ मेरी जूती है वहाँ तेरी बुद्धि होगी तो मैं उसको बहुत पढ़ाया मैं कहा यार मैं बड़ा अच्छा हूँ ये है फलाना है फिर एक दिन उनकी फैमिली भी पड़ गई सब पड़ गए वो भी पड़ गए शादी वादी हो गई तो ऐसे ही बात कर रहा था मुझसे ओए साढ़े तंग आ गया मुझसे छोटा है देख रहा होगा बहुत डांटेगा मुझे इस बात के लिए उसके बच्चे हैं बहुत प्यारा है मेरा वो मुझे बोलता है और मैं कुछ नहीं कह रहा था मैं कह रहा था फैमिली को मैं बताना कि तुझसे पहले मिल चुका हूँ मेरी डीलिंग है तेरे से अच्छा तो मेरा राज और सिमरन की केमिस्ट्री ने एक पूरी जनरेशन को इंस्पायर किया है आइए हम लोग आप देखते हैं कि ऐसी कल्ट फिल्म बनाने के लिए क्या क्या पापड़ बेलने पड़ते हैं और क्या क्या होता है यहाँ पे प्लीज कुछ दिखाना चाहते हैं हम आपको सर ये जहां तक मुझे याद है ये फिल्म में काजल आपसे पूछते हैं कि क्या किया तुमने मेरे साथ ये वो सब रात को नशे में सब बाहर घूम रहे हैं बिना माँ बाप के बाहर यूरोप में गई ऐसा क्या हुआ कि फैमिली शो की तरह पूछ रहे सवाल मेरा मम्मी डैडी के ना ऐसा देन जस्ट वो जो क्या हो बात चलिए मैं सीधे लफ्ज़ों में पूछता हूँ कि लड़का लड़की दोनों एक रूम में हैं और लड़की पूछ रही है कि रात को ऐसा क्या हुआ और ये सब तो आप शर्ट ऐसे खोल के बता रहे हैं कि कुछ तो क्या हुआ कि भाई क्यों हंस रहे थे आप रात ऐसा कॉमेडी सीन नहीं था ये शी सपोज टू से कि व्हाट हैपेंड एट नाइट क्योंकि उन्होंने शराब पी थी तो जब भी मैं वो खोलता था तो जैसे अगर एकदम चुप हो शांत रोल कैमरा एक्शन तो ये एकदम इमोशनल होकर पूछती है कि कोई भी औरत पूछेगी लड़की पूछेगी शरीफ लड़की की व्हाट हैपेंड एट नाइट डिड वी डू समथिंग रॉन्ग ऐसा पूछती है मुझसे तो मैं बस जिप खोल के बोलता हूँ कि ये हुआ उस पर ऐसे लिपस्टिक के मार्क लेकिन वो जिप की जो आवाज थी ना बहुत अजीब थी नहीं ऐसे नहीं थी सुस नहीं थी यार वो जैसे पूछो काजल मुझसे क्या हुआ क्या हुआ वो सिर्फ हमको सुनाई दे रही थी वो बाकी किसी को पुराने कैमरा में आवाज होती थी वो किसी को सुनाई नहीं दे रही थी तो हम समझा नहीं सक रहे थे क्या हुआ रात को वैसे लगता आवाज कहीं और से आई Nobody understood this. अच्छा दो मैगजीन खत्म हो गए उस पे दो मैगजीन खत्म हो गए आदि could not understand आदि को समझ में नहीं आ रहा था वहां से जा रहे हैं क्योंकि समझा नहीं सक रहे इतना गुस्सा आ रहा है इतना गुस्सा आ रहा है एक शॉट का सीन नहीं है मतलब 15-20 मिनट में खत्म करके निकलेंगे चलो जल्दी करो और वो जिप ने हमारी वाट लगा दी यार जिप के चक्कर में बहुत मारेगा एंड हम एक लूप में चले गए मैं और काजल कई बार चले जाते हैं ऐसे लूप में जहाँ हंसते रहते हो सकता है शो में भी ये शुरू हो जाए क्योंकि ये शो चलता रहेगा हम हंसते रहेंगे और तुम्हारी कॉमेडी भी नहीं चाहिए होगी उसके लिए मैं यहाँ पे जितने भी दर्शक बैठे हैं मैं उनसे पूछना चाहता हूँ अब क्या हुआ अब तो जिप वाला खुला भी नहीं कुछ ऐसा अभी खुलना चाहिए मैं यहाँ पे बैठे अपने दर्शकों से पूछना चाहूंगा ओके वंस अगेन दर्शक वर्ड चेंज करके ट्राई कर देंगे okay. पता नहीं हम किस पे झूठ रहे हैं
ओके मैं यहाँ पर मैं कुछ नहीं पूछना चाहता मैं यहाँ पे बैठे अपने दर्शकों से पूछना चाहूंगा कि क्या कि क्या राज और सिमरन की जोड़ी जैसी आपने फिल्म में देखा वैसी केमिस्ट्री जैसे जब आप लोग माँ बाप की मर्जी के खिलाफ शादी करते हैं वो वैसे ही बरकरार रहती है कि चेंज हो जाता है? कोई ऐसे हमारे दोस्त है जो... क्या हुआ तू जल्दी से चेक कर तेरे सलवार में जिप तो नहीं है